मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगरतला एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, साथ ही कस्टम जो है सर्वे है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे जो है उसमें नॉर्थ ईस्ट का नंबर वन और भारतवर्ष का नंबर 10 एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से अधिकतम जो है अभी आज की फ्लाइट को मिला करके टोटल 36 मूवमेंट जो है आज जो है पीक मूवमेंट हमारे यहाँ से होंगे, जिसमें हैदराबाद एक नया डेस्टिनेशन आज से शुरू होना जा रहा है, जिसमें पहली फ्लाइट में जो हमने जो है 145 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, जिनमें माननीय गवर्नर महोदय भी जो है ट्रैवल कर रहे हैं। आज की इस फ्लाइट का उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय ने जो है केक कटिंग और लाइटिंग ऑफ लैम्प के साथ किया। मैं बताना चाहूँगा कि हम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ से यात्रियों को जो हमारे अतिथि हैं उनको बेहतर सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एयरपोर्ट नंबर वन है। इसके लिए मैं हमारी अगरतला एयरपोर्ट पर तैनात जो है EI की टीम, एयरलाइंस की टीम, वो जितने CISF की टीम और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि एयरपोर्ट को इस पायदान पर पहुँचाया है। हमारा सतत प्रयास रहेगा कि एयरपोर्ट जो है और भी बेहतर प्रदर्शन करे और जो है देश के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में से एक हो। सर, हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस कब शुरू होगा, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके बारे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए सभी सुविधाएँ जो है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा उपलब्ध है और हमें जनवरी 23 में जो है कस्टम एयरपोर्ट इसको डिक्लेयर किया जा चुका है। अब हमने जो है इमिग्रेशन चेक पॉइंट डिक्लेरेशन के लिए जो है गृह मंत्रालय से द्वारा जारी होना है, उसके लिए कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मैन पावर का इश्यू था जो भी शॉर्ट आउट कर लिया गया है, और जल्दी यहाँ से जो है पहली फ्लाइट अगरतला से चटगांव के लिए शुरू होगी, ऐसी हमें उम्मीद है, साथ ही जिससे कि हम इस एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। उसके बाद में डिमांड के आधार पर दूसरे डेस्टिनेशन को भी इंटरनेशनल ऑपरेशन यहाँ से शुरू होंगे। सारी सुविधाएँ हमारी जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर उपलब्ध हैं, हमारे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सभी सुविधाएँ यहाँ पर हमने मुहैया करवाई है। सर, अगरतला एयरपोर्ट में सब सुविधा भी लागू है तो इसी हिसाब से क्या फ्लाइंग क्लब शुरू हो सकता है यहाँ पर? हमारा पुराना जो एयरपोर्ट बिल्डिंग था उसके लिए हमने कंसल्टेंट नियुक्त किया है, कंसल्टेंट जल्दी ही हमें रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसमें यहाँ पर जो है एक एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी एक प्रपोजल उसमें सम्मिलित किया गया है, वो एक टेंडरिंग प्रोसेस के द्वारा किसी एजेंसी को अवार्ड होगा, तो उनमें से एक ये भी फ्लाइंग क्लब का भी एक प्रपोजल उसमें जो है एजेंसी जो पार्ट जो है इसके लिए बिडिंग करेगी वो कर सकते हैं। साथ ही दो जो भी डिमांड यहाँ पर उसी हिसाब से जो है हम पुराने बिल्डिंग को जो है रीयूज करने के लिए हम प्रयासरत हैं। जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर का नाम उसी हिसाब से एक नया फ्लाइट हमको मिला है, तो आपका प्लेन्स और त्रिपुरा को क्या बेनिफिट मिला है? त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आफ्टर गुवाहाटी इट इज़ दी वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट। त्रिपुरा का पैसेंजर्स के लिए नया नया फ्लाइट्स आने का जरूरी है। अभी इधर से कलकत्ता को एक्स्ट्रा फ्लाइट हो गया और गुवाहाटी बाकी के प्लेस में भी एक्स्ट्रा फ्लाइट हो गया। आज जो फ्लाइट शुरुआत करे हैं हैदराबाद के लिए, साउथ इंडिया जाने वालों को और जो बांग्लादेश से आने वाले जो मेडिकल के लिए जाने वाले हैं उन सब लोगों के लिए एक कन्वीनियंट है। इससे टाइम बचता है, पैसे भी बचता है, पहले डबल एक्सपेंडिचर होता था वो भी कम हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नया पॉलिसी मोदी जी आने के बाद छोटे छोटे एयरपोर्ट जो है ये उड़ान के स्कीम में कंपलसरी करे हैं। पहले ऐसा चाहता कि बड़े सिटीज़ में से ज़्यादा चलते थे, बड़े सिटीज़ में के बीच में चलना है तो वो कंपलसरी छोटे स्टेट सिटीज़ का भी कंपलसरी वो रन करना है। ऐसे बोलने के बाद छोटे छोटे फ्लाइट्स पहले शुरू करे हैं और उसका पैसे भी जो चार्जेस है चार्जेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करे हैं, उससे आम पब्लिक को भी अभी उड़ान चढ़ने के लिए एक सहूलत मिल गया। एक बार आदत होने के बाद टाइम का इम्पोर्टेंस बाकी का इम्पोर्टेंस होने के बाद सब लोग ऑर्डिनरी लेबर भी अभी जो डेली वेज काम करने वाले हैं कारपेंटर है पेंटर है वो भी अभी फ्लाइट में जाने के लिए सोच रहे हैं।
क्योंकि एक दिन के लिए अगर वो खर्च कर लिए तो 1500 से 2000 तक उनका एक्सपर्ट जो है, स्पेशलाइज्ड पर्सन जो है, उनका रोज़ाना इनकम है। तो दो तीन दिन ट्रेन में जाने से उनको फ्लाइट में जाना सहूलत एक तक जाता नहीं, और दूसरा दो दिन बच जाता है, वो दो दिन कमाई कर ले सकते हैं, ऐसा सोच अभी आए। तो उस सिलसिले में इसका उपयोग ज़्यादा है, और इधर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो भी शुरू होने वाला था, थोड़ा देरी हुआ है, वो भी होगा, ये मेरा विश्वास है। आई रिक्वेस्ट ऑल द पैसेंजर्स, ऑल द पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड अदर प्लेसेस टू यूटिलाइज दिस सर्विस एंड मेक इट सक्सेस। एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट एंड आई ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ त्रिपुरा पीपल ये इंडिगो वालों को धन्यवाद।